हेलो फ्रेंड्स, किरण नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जेंट्स स्वेटर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसके मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी अलग अलग। इस वीडियो में मैं आपको इसकी मेजरमेंट, इसके फंदे कैसे डालेंगे और इसका ये सारा डिज़ाइन, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन आ रहा है, देखिए दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाला सारा डिज़ाइन ये शेयर करूँगी। और बाकी के आगे वाले वीडियोज़ में इसका मैं और भी चीज़ें शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये स्वेटर एल साइज़ का है। एल साइज़ अगर हम समझें तो जिनकी चेस्ट राउंड में 40 से लेके 42 तक होती है वो एल साइज़ गिना जाता है। तो जिनकी शर्ट की, जैसे मैं बता रही हूँ मेज़रमेंट, जिनकी शर्ट की राउंड में जो आप माप के देखेंगे तो 40 से लेके 42 तक आएगी। तो ये स्वेटर बेसिकली मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। एक्सेल की बहुत फरमाइश आती है कि एक्सेल में कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले एल साइज के जो मैंने इसमें स्टिचेस डाले हैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो बॉर्डर के स्टिचेस हैं, स्टार्टिंग में मैंने रखे हैं 110 स्टिचेस, और आफ्टर बॉर्डर जो मैंने 6 फंदे और बढ़ाए हैं, यानी कि 116 स्टिचेस यहाँ पे किए हैं। ये तो होगी एल साइज की बात। अगर आपको यही जो स्वेटर है ये एक्सएल में बनाना है तो आपको चार चार पांच पांच फंदे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो आपका वो फिटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने 110 यहाँ पे मैंने फंदे रखे हैं एल के, तो आप एक्सेल के लिए 114 या 113 तीन चार फंदे यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे 116 फंदे रखे हैं तो आप यहाँ पे इसके 122 कर लीजिए, तो आपका एक्सेल साइज जो बन जाएगा। अब देखिए, ये मैंने जो है पल्ला जो इसका, ये मैंने इसकी अंडर आर्म तक इसकी लेंथ पूरी कर ली है, शोल्डर तक, बॉटम टू शोल्डर इसकी लेंथ पूरी कर ली है। तो बेसिकली मैं इसमें आपको डिज़ाइन बताने वाली हूँ और मेजरमेंट तो मैं आपको बता दी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यूज़ की है वर्धमान की वूल। आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी वूल है ये। और बॉर्डर के लिए मैंने इसमें यूज़ की है 10 नंबर की नीडल्स और आफ्टर बॉर्डर 9 नंबर की नीडल्स। तो चलिए फ्रेंड्स बुनना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बॉर्डर स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 110 फंदे, और इन फंदों का जो वीडियो है ये मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से जाके ये फंदे देख सकते हैं कि ये कैसे डाले जाएंगे। डिज़ाइनर फंदे हैं ये, और मैंने इसमें यूज़ की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, देखिए बॉर्डर के लिए 10 नंबर की नीडल्स। तो चलिए फ्रेंड्स बॉर्डर बुनना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बुनने वाली हूँ एक सीधा और एक उल्टे वाला का बॉर्डर। आप अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर बुन सकते हैं इसमें, जो आपको अच्छा लगे। देखिए एक सीधा एक उल्टा, फिर से एक सीधा। मैक्सिमम सबको ये बॉर्डर बुनना आता है, तो एक सीधे और एक उल्टे वाला बॉर्डर है जो मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। ये मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ बुन के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसका डिज़ाइन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने इसमें 18 रोज़ डाली हैं, 18 रोज़ का बॉर्डर डाला है। आप अपने हिसाब से बॉर्डर इसमें बुन सकते हैं। अब हम इसकी राइट साइड में हैं और रो नंबर 19 में हैं। इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे थोड़े से अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे जो फंदे हैं 110 फंदे हैं बॉर्डर के, और मैं ऊपर इसके 6 फंदे यानी कि 6 फंदे बढ़ाने वाली हूँ। 116 स्टिचेस इसमें करने वाली हूँ। तो ये रो नंबर 19 है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स इसकी नीडल्स भी चेंज की है। मेरी वूल थोड़ी मोटी है तो मैं इसमें ऊपर
9 नंबर की नीडल्स अब यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है रो नंबर 19 राइट साइड, इंक्रीजिंग रो बोलेंगे इसको हम, क्योंकि इसमें हम फंदे इंक्रीज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको एक फंदा इंक्रीज़ करके दिखा दूँगी और बाकी आप इसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अपने हिसाब से पूरी रो में फंदे इंक्रीज़ कर लीजिएगा। 6 फंदे आपको इसमें इंक्रीज़ करने हैं। देखिए, पंद्रह पंद्रह बीस बीस फंदों के डिस्टेंस पे आप इसमें फंदा इंक्रीज़ कर लीजिएगा। फंदा देखिए कैसे इंक्रीज़ करना है, किसी फंदे पे भी आप फंदा इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे आपका सीधा फंदा हो चाहे उल्टा फंदा हो। सामने से बुन लेंगे पहले एक बार, फिर इसको देखिए यहाँ से बैक लूप से बुन लेंगे दूसरी बार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक फंदा बढ़ चुका है। ऐसे ही आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पूरी सिलाई में 6 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 19 मैंने इसमें कंप्लीट कर ली है, ये इंक्रीजिंग रो थी। तो इसमें मैंने 6 फंदे जो हैं सारी रो में बढ़ा लिए हैं। तो ये रो बुनने के बाद मेरे पास हो गए हैं 116 फंदे। तो अब हम आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में मैं आपको बता दूं कि इसकी आगे आने वाली सारी सिलाइयां जो हैं वो हम उल्टी बुन के ही कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन जो है इसका, इसमें सारी सिलाइयां रॉन्ग साइड वाली उल्टी ही आएंगी। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर है जो मैं आपको जो बताने वाली हूँ इसमें। तो ये इसकी रॉन्ग साइड की जो सारी आगे आने वाली जो सिलाइयाँ हैं वो सारी उल्टी ही आएंगी। तो ये मैं बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डिज़ाइन इसका। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो इसमें डिज़ाइन डालने वाली हूँ वो डिज़ाइन 14 के मल्टीपल पे चलता है। 14 के मल्टीपल करके प्लस 6 कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन आपके स्वेटर पे सेटल हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे पास बनते हैं 118 फंदे। तो मैं इसमें ऐसे करूँगी कि जो लास्ट वाले और फर्स्ट वाला जो फंदा है एक एक इसमें कम कर लेती हूँ तो मेरा डिज़ाइन सेटल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हैं 116 फंदे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बुनने थे 6 उल्टे, तो मैं यहाँ पे बुन रही हूँ 5 उल्टे। आप ध्यान से देखिए, हम इसको रो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि डिज़ाइन डलने लगा है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे आप स्टार्टिंग में इसमें उल्टे बुनेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 फंदे आप यहाँ पे सीधे बुनेंगे। अब आप 6 फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे आपको ये ऐसे ही रो बुनते जाना है। यहाँ से देखिए, ये फंदे 5 छोड़ के ये इतना आपको रिपीट करते जाना है, यानी कि आपको अब आगे 8 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 6 उल्टे बुनने हैं, 8 सीधे 6 उल्टे। ऐसे ही आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और लास्ट में आपके पास आ जाएंगे 5 फंदे उल्टे। देखिए, यहाँ सीधे बुनेंगे 8 फंदे, 2 4 6 और ये 8, फिर उल्टे बुनेंगे 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6। बस आपको ये ऐसे ही बुनते जाना है, ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस रो की लास्ट में हैं हम। जैसे आपने स्टार्टिंग में 5 फंदे उल्टे बुने थे, लास्ट में भी आपके पास 2 4 और 1 ये 5
फंदे उल्टे आ जाएंगे, देखिए ऐसे। अगर तो आप 118 कर लेंगे तो आपको जो लास्ट में भी हैं और फर्स्ट में भी हैं तो आपके 6-6 फंदे आ जाएंगे, नहीं तो 5-5 फंदे, यहीं से आप इसका एडजस्ट कर लेंगे। रॉन्ग साइड में हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉन्ग साइड की जो सिलाइयाँ हैं, पहले ही बता चुकी हूँ, ये सारी उल्टी बुन के आप कंप्लीट करेंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, रो नंबर ये 2 डिज़ाइन की और आगे आने वाली सारी रॉन्ग साइड वाली सिलाइयाँ आप उल्टी ही बुनोगे। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। रो नंबर 3 में हम राइट साइड में, फ्रेंड्स रो नंबर 3 और 4 में आप रो नंबर 1 और 2 को ही रिपीट करेंगे। जैसे हमने रो नंबर 1 डाली है वैसे ही ये डाल के इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 5 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, ऐसे वाली जो रोज़ हैं ये बहुत बार रिपीट होनी है आगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए, 8 सीधे फिर 6 उल्टे, ऐसे ही ये आपको रो नंबर 1 को रिपीट करना है और उल्टी रो आपको उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। देखिए ऐसे, ये मैं 2 रो इसमें डाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिज़ाइन की 4 रोज डल चुकी हैं। 4 रोज के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, देखिए सीधे फंदे और उल्टे फंदे। अब रो नंबर 5 में हम राइट साइड में, इसमें हम इसका केबल चेंज करेंगे, छोटे छोटे केबल बनाएंगे। देखिए कैसे, 5 फंदे आप उल्टे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसका जो केबल है वो सीधे फंदों पे चेंज होगा। देखिए कैसे करेंगे, इसके केबल को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। 3 फंदों का ये केबल आएगा पहले, तो देखिए 3 फंदे उतार लेंगे, 2 फंदे ये पीछे से हम डाल लेंगे सिलाई में और 1 फंदा जो है पहले वाला इसको ऐसे करके आगे ले आएंगे और फिर ये भी फंदे हम इस पे चढ़ा लेंगे। छोटा सा केबल है, आराम से आप चेंज कर लोगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए ये फंदा आपका आगे आ जाएगा ऐसे और फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे ऐसे ही, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं सीधे, इसका फिर से केबल चेंज करेंगे। देखिए कैसे, ये 2 फंदे जो हैं बीच के इनको पीछे से उधर वाली साइड लेके जाएंगे और 1 जो फंदा ये है इसको हम आगे लाएंगे, ऐसे चढ़ा लेंगे और तीनों को अलग अलग सीधा बुनेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो सीधे फंदों का जो है आपका ये केबल चेंज हो चुका है, ये बन चुका है। बस इसमें इस सिलाई में आपको यही करना है, सीधे फंदों पे आपको केबल चेंज करना है और उल्टे जो फंदे हैं वो आपको उल्टे ही बुनते जाना है। देखिए ऐसे, उल्टे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब इतना आप रिपीट करते जाएंगे, देखिए यहाँ से लेके सीधे फंदों से लेके इतना जो फंदे हैं, 14 फंदों का जो अभी हमने बुना है ये आपको रिपीट करते जाना है। सिर्फ सीधे फंदों पे आपको ऐसे वाला केबल यहाँ पे चेंज करते जाना है। तो ये मैं रो पूरी कर लेती हूँ और उल्टी साइड वाली उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में हैं हम, रो नंबर 7 है। रो नंबर 7 और 8 के लिए आप फिर से रिपीट करेंगे रो नंबर 1 और 2। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, वैसे ही रो नंबर 1 में जैसे आपने डाले थे वैसे ही आपको डालने हैं। ये 5 फंदे यहाँ पे उल्टे आ जाएंगे जैसे हम स्टार्टिंग से डाल रहे हैं, या 8 फंदे सीधे आ जाएंगे, रो नंबर 1 को रिपीट करेंगे इस पे, 8 फंदे सीधे आ जाएंगे
और यहाँ पे 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे। बस ऐसे ही आप चलाते रहोगे इस रो को, और उल्टी रो तो आपको पता है कि उल्टा बुन के ही इसमें कंप्लीट करनी है, तो ये मैं कर लेती हूँ। इसमें आप ये रिपीट कर रहे हैं रो नंबर 1 और 2 को, देखिए ऐसे। राइट साइड में हम रो नंबर 9 में, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि इसमें भी केबल चेंज होना है फिर से दोबारा। ये 5 फंदे जो उल्टे हैं उल्टे बुनेंगे, यानी कि इस रो में जो उल्टे फंदे हैं वो आपको उल्टे ही बुनने हैं, जैसे आपने 5 में बुने थे, और सीधे जो होंगे आपके पास उस पर केबल चेंज होगा। देखिए सीधे फंदों पे, पहले आप केबल को देखिए, ये अंदर को लेके गए हैं, अब इसको हम बाहर को लेके आएंगे। देखिए कैसे 3 फंदे यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, 2 फंदे ये इधर को चढ़ाएंगे, और ये बीच वाला जो फंदा है तीसरा, इसको हम बाहर लेके आएंगे ऐसे, और इन तीनों फंदों को अलग अलग बुनेंगे। पहले हमने केबल अंदर को किया था यहाँ से, अब इसको बाहर को करेंगे। 2 फंदे बीच के सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, देखिए ऐसे दिखने लग गया। अब ये 3 फंदे सीधे हैं, इनका फिर से केबल चेंज करेंगे। लास्ट के 2 फंदे यहाँ बीच में ले आएंगे, और जो 1 फंदा है ये बीच का, इसको हम आगे से ऐसे बाहर लेके आएंगे, और ये तीनों फंदे जो हैं अलग अलग बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इसका ये केबल दिखने लग गया है। बस अब आपको इस रो में यही रिपीट करना है, उल्टे फंदे आपको उल्टे ही बुनते जाना है, और सीधे जो 8 फंदे हैं उसको आपको ये ऐसे वाला केबल चलाना है। तो ये रो आप कंप्लीट कर लीजिए, और उल्टी रो जो है उल्टी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में हम रो नंबर 11 में, अब रो नंबर 11 और 12 के लिए आप रो नंबर 1 को फिर से रिपीट करोगे, रो नंबर 1 और 2 को रिपीट करोगे। तो ये देखिए आपकी ये एक डिब्बी बन के तैयार है, बस आपको रो नंबर 11 इसमें डालनी है रो नंबर 1 की तरह। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो रो नंबर 1 और 2 ही इसमें ज़्यादा चलेगी, सिर्फ आपको रो नंबर 5 में और रो नंबर 9 में इसका केबल चेंज करना है। देखिए 5 फंदे उल्टे डाल के अब आगे सीधे 8 डालेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आपको सिर्फ रो नंबर 5 और 9 में इसके केबल्स चेंज करने हैं, वो भी सीधे फंदों के ऊपर, उल्टे आपको उल्टे ही बुन के इसमें करने हैं, देखिए ऐसे, और उल्टे फंदों के ऊपर आप उल्टे ही बुनते जाओगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन, ऐसे देखिए ये रो बुन के कंप्लीट कर लीजिए, और 12वीं रो जो है वो उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये आपकी डिब्बी जो है पूरी की पूरी बन के तैयार है, बहुत सुंदर उबरा उबरा डिज़ाइन आता है ये। मैं 2 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 12 रोज़ पूरी हो चुकी हैं, 12 सिलाइयाँ हम इसमें डाल चुके हैं। ये देखिए ये डिब्बी बनके इसकी तैयार है। अब आपको बस थोड़ी सी इसकी डिब्बी चेंज करनी है, बाकी सिलाइयाँ तकरीबन सेम आएंगी बुनने में। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसमें कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस बने हुए स्वेटर में देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट डिब्बी है हमने यहाँ डाली है, और इसकी सेकंड जो है नेक्स्ट वाली, ये उल्टे फंदों के ऊपर आएगी, फिर ये डिज़ाइन बहुत अच्छा सा बनके तैयार होगा। हमें फिर से इसमें 12 लाइनें डालनी है, उल्टी रोज जो है उल्टी ही रहेंगी, सिर्फ सीधी सिलाइयों में इसमें डिज़ाइन आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट वाली डिब्बी, ये मैं जल्दी जल्दी आपको ये भी बता देती हूँ, फिर आप ये रिपीट करते जाएंगे 24 लाइनें, तो आपका डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा। रो नंबर 13 में हम राइट साइड में, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें जो फंदे हैं चेंज होंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से देख लीजिए।
पहले जो फंदे हैं, देखिए हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे ये उल्टों के ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए फाइव फंदे हमने उल्टे यहाँ बुने थे, तो फाइव हमने सीधे बुने हैं, और एक ये सीधे फंदों में से आप और यहाँ पे सीधा फंदा बुन लेंगे। देखिए ऐसे दो चार और छह फंदे यहाँ पे सीधे हो गए हैं। ध्यान से देखिए इस रो को। अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, छह फंदे देखिए इसमें आपको उल्टे बुन लेने हैं। यहाँ पे आपके पास एक सीधा फंदा बचा हुआ है, ये आप उल्टे फंदों के बीच में यहाँ डालेंगे, जैसे हमने एक फंदा सीधा इधर उल्टे उसमें डाला है। आपको बस ऐसे ही जैसे मैं बताया जा रही हूँ ऐसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका ठीक ढंग से ये आ जाएगा। देखिए ये सीधा फंदा है, छह हमने उल्टे बुन लिए बीच के, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदे जो हैं हम यहाँ पे सीधे बुन रहे हैं। देखिए एक ये सीधे में से इधर आ गया, अब यहाँ पे बीच के जो फंदे हैं ये वाले, ये छः उल्टे हो जाएंगे और ये इधर सीधे में आ जाएगा। अब आपको ये देखिए यहाँ से लेके उल्टे फंदों से लेके ये आगे ऐसे ही रिपीट करते जाना है। आपको छः उल्टे डालने हैं और आठ इसमें सीधे डालने हैं। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो आपके सीधे फंदे आठ थे उसके बीच में के जो फंदे हैं वो छः हम उल्टे बुन रहे हैं, और एक सीधा फंदा इधर डाल रहे हैं और एक सीधा फंदा हम इधर डाल रहे हैं। देखिए ऐसे ही आपको करना है। अब आगे फिर से आठ फंदे सीधे बुनने हैं आपको, दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। देखिए ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे उल्टे फंदों के ऊपर ये सीधे फंदे आ जाएंगे, और उल्टे तो आपके पास छ हैं ही हैं, वो सीधे हो जाएंगे और साइडों से एक एक फंदा सीधा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आठ फंदे जो हैं सीधे हो जाएंगे। तो आपको ये रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है सारी। देखिए फ्रेंड्स इस रो की लास्ट में हम यहाँ पे भी आपके पास दो चार और छः फंदे जो हैं सीधे आ जाएंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में बुने हैं। देखिए और उल्टी साइड वाली जो रो है वो आप उल्टी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स रो नंबर 15 में है हम राइट साइड में। अब रो नंबर 15 और 16 के लिए आप रो नंबर 13 और 14 को रिपीट कीजिए, यानी कि यही रो आप दोबारा से दो सिलाइयाँ जो आपने डाली हैं अभी यही एक बार फिर से डाल लीजिए, तो आपका ये जब बन जाएगा फिर हम केबल चेंज करेंगे। राइट साइड में हम रो नंबर 17 में। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने लाइनें रिपीट कर ली हैं। इस रो में हम केबल चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ये सीधे फंदे जो हैं ये हमारे पास कम हैं, सिक्स स्टिचेस हैं, तो हमें इसके लिए एट स्टिचेस चाहिए होते हैं, तो हमारा इसमें एक ही केबल चेंज होगा। देखिए कैसे, तीन फंदे आप सीधे बुन लेंगे और नेक्स्ट जो तीन फंदे हैं आपके सीधे इस पे आप केबल चेंज करेंगे। ये वाला फंदा आप इधर को लेके आएंगे और इन तीनों को अलग अलग बुनेंगे। देखिए ऐसे
ये देखिए, ऐसे आपका इसमें एक ही केबल आएगा और फिर छह फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए, केबल चेंज करने का आगे वाला तरीका वैसे ही रहेगा। देखिए, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, तीन फंदे उतारेंगे, पीछे से इनको इधर को ले आएंगे दो फंदों को, और एक फंदा जो इधर वाला है ये बीच में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे चढ़ाएंगे दोनों फंदे और तीनों हम अलग अलग बुनेंगे। देखिए ऐसे, देखिए बीच में आ गया फंदा, फिर दो फंदे सीधे, फिर ये वाला केबल चेंज करेंगे तीन फंदों का, और ये वाला फंदा जो है ये बीच में लाएंगे। बस फ्रेंड्स, आगे आपको इस रो में ऐसे ही करते जाना है। सीधे फंदों पे आप ऐसे केबल चेंज कर लीजिए और उल्टे फंदे आप उल्टे बुन के कंप्लीट कीजिए, और रॉन्ग साइड वाली सिलाई भी उल्टी बुन के कंप्लीट कीजिए। राइट साइड में हम रो नंबर 19 में, रो नंबर 19 और 20 के लिए फ्रेंड्स आप रो नंबर 13 और 14 को रिपीट करेंगे। ये जो हमने रो डाली थी वैसे ही आप इसको डालेंगे, तो ये मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राइट साइड में हम रो नंबर 21, इसमें हम केबल चेंज करेंगे। देखिए कैसे, 1, 2 और ये 3। अब ये वाला फंदा बाहर को लेके जाएंगे, देखिए तीन फंदों का यहाँ पे केबल चेंज हो जाएगा। और ये बीच वाला फंदा जो है ये बाहर को निकाल लेंगे। ये डिज़ाइन दिखने में बहुत सुंदर है और बुनने में बहुत ही सिंपल है। कुछ कलाइनें तो इसकी रिपीट ही होंगी। देखिए ऐसे, ये अंदर को किया था केबल, ये हमने बाहर को कर दिया। अब छह फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए छह फंदे उल्टे, अब फिर से ये वाला जो केबल चेंज करेंगे, इस फंदे को बाहर को लाएंगे और तीनों फंदे अलग अलग बुनेंगे। देखिए ऐसे, और दो फंदे बीच में सीधे आ जाएंगे, और फिर से तीन फंदों का ये केबल चेंज करेंगे। अब पूरी लाइन में आप ऐसे ही करते जाओगे, उल्टे फंदे उल्टे बुनते जाओगे और सीधे फंदों का, जैसे ये देखिए केबल आ गया है, ऐसे आप केबल चेंज करते जाएंगे। ये रो कंप्लीट कर लीजिए और उल्टी बुन के उल्टी कंप्लीट कर लीजिए। राइट साइड में हम रो नंबर 23 में, रो नंबर 23 और 24 के लिए फ्रेंड्स आप रो नंबर 13 और 14 को फिर से रिपीट करेंगे, जो हमने यहाँ पे डाली थी वैसे के वैसे ही। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, जैसे इसमें छह सीधे आ जाएंगे स्टार्टिंग में, दो चार छह, छह सीधे, फिर वैसे ही चल पड़ेगा। इसमें छह उल्टे और आठ सीधे का, जैसे हमने रो नंबर 13 में डाला था। देखिए
छह उल्टे आ जाएंगे यहाँ पे, उल्टों के ऊपर आपके उल्टे ही आएंगे। देखिए छह उल्टे हो गए, दो चार छह, और आगे आठ सीधे आ जाएंगे, फिर से उल्टे आ जाएंगे। ऐसे ही आप ये रो कंप्लीट कीजिए और रो नंबर 24 जो है वो उल्टी बुन के कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 24 रोज हम बुन चुके हैं। बस अब आपको करना क्या है कि रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 24 तक इसमें आपको रिपीट करते जाना है बार बार, और आपका ये डिज़ाइन बहुत देखिए सुंदर आ गया है, और बहुत ही सिंपल है, इजी है बुनने में, और दिखने में दूर से बहुत ही सुंदर लगता है, आप देख रहे हैं। अब आप फ्रेंड्स इसमें रो नंबर 1 को जो हमने डाली थी वो इसको आगे से स्टार्ट करेंगे, रो नंबर 1 को रिपीट करेंगे। तो ये मैं अभी इसकी उल्टी रो कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार है। अब फ्रेंड्स आप इसका जो है शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए जितनी आपको चाहिए हो स्वेटर की, तो फिर अगले वीडियोस में हम और भी चीज़ें सीखेंगे इसके लिए, इस स्वेटर पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। आप इसके दो पल्ले बना के पूरे कर लीजिए, बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला एक जैसा ही बनेगा शोल्डर तक, आप बैक का भी ऐसे ही डिज़ाइन डाल के इसमें कंप्लीट कर लीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।